लेटस स्टार्ट फ्रॉम द एशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा सबसे पहले अगर हम सोर्सेज की बात करें तो कौन से सोर्सेज हैं जिसे हमें हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है बिकॉज हरियाणा एज सच वॉज नॉट अ पोलिटिकल एंटिटी बिफोर नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स तो उन्नीस सौ छियासठ जो है वो पहला ऐसा साल था इनफैक्ट नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में हरियाणा एज अ पोलिटिकल एंटिटी एमर्ज हुआ ये बात आपने याद रखनी है जनरली स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है दैट हरियाणा वॉज क्रिएटेड इन 1966 सिक्सटी सिक्स हाउ कैन इट हैव एन एंशियट हिस्ट्री बट इट इज नॉट लाइक दैट हरियाणा एज अ फिजिकल एंटिटी एंड एज अ कल्चरल एंटिटी हैज़ एग्जिस्टेड सिंस टाइम इन मेमोरियल शुरू से हरियाणा एग्जिस्ट किया है लेकिन पोलिटिकली आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि हरियाणा एक अलग स्टेट है तो वो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में एग्जिस्टेंस में आई है दैट डज नॉट मीन कि वो एरिया पहले था नहीं दैट एरिया हैज़ ऑलवेज बीन इन एग्जिस्टेंस तो उसकी जो हिस्ट्री है और उसका मॉडर्न डे हरियाणा से कैसे रिलेशन है कल्चरली एंड एथनिकली दैट वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर सो 1966 में सिर्फ पॉलिटिकल क्रिएशन हुई थी हरियाणा की बट हरियाणा हैज एग्जिस्टेड सिंस टाइम इन मेमोरियल अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी सोर्सेज लिटरेरी सोर्सिस मीन्स टेक्सट्स रिटन और एनी थिंग और इंस्क्राइब्ड अपॉन समथिंग फॉर एग्जाम्पल देर आर टेक्स लाइक महाभारत लाइक बुद्धिस्ट टेक्सट जैन टेक्स्ट और टेक्स्ट रिटर्न ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड लाइक द वेदास ऑल दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ अवर नॉलेज जिसे हमें पता चलता है कि हरियाणा का जो एंशियंट पास था वो कैसा था देन आर्क्योलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड रिमेन्स आर्क्योलॉजिकल फाइंडिंग्स मीन्स एक्चुअल फिजिकली जब हमने किसी जगह की खुदाई की वहाँ से हमें कुछ साइट्स मिली और उन साइट्स को स्टडी करने पर हमें हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चला फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी आर्क्योलॉजिकल साइट्स इन हरियाणा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैम इज राखी गढ़ी राखी गढ़ी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट इन हरियाणा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ऑल दिस वी विल स्टडी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बट जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव हरियाणा एंड बनावली दिज आर द टू साइट्स इन हरियाणा जिससे कि हमें पता चलता है कि हरियाणा में कितनी पुरानी सिविलाइजेशन भी रहा करती थी सो इंडस वैली सिविलाइजेशन विच गोज बैक टू टू थाउजेंड बिफोर एरा यानी कि आज से चार हजार साल पहले सो इट हैज़ दैट रिच अ पास्ट इसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी हैं जैसे कि कुछ पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें कुछ स्तूपाज़ मिलते हैं कुछ आर्किटेक्चरल रिमेन्स मिलते हैं या फिर कहीं और से हमें रेफरेंस मिलती है फॉर एग्ज़ाम्पल अ टेक्स्ट रिटर्न बाय सम 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 फॉरेन ट्रैवलर हु ट्रैवल टू इंडिया राइट तो उसमें हमें हरियाणा का जिक्र मिलता है या टेक्स्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आता है दैट इज़ मनुस्मृति सो मनुस्मृति वॉज रिटन बाय मनु सो एंशियंट टाइम्स में हरियाणा को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था ब्रह्म वर्थ सो ब्रह्म मीन्स गॉड और वर्त मीन्स द प्लेस सो द प्लेस ऑफ गॉड वॉज वट हरियाणा वॉज रेफर्ड टू एज इन द दाइम्स